मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल बैगिंग टीवी से। आप सभी को याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी, आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने खाली पड़े प्लाट की चार दीवारी के नीचे नाली के रास्ते दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की कुछ तस्वीरों वाली टाइलें सीमेंटेड तौर से आप परमानेंट तरीके से फिक्स करवा ली थी, जिसका आम जो जनता थी आसपास के लोगों ने गहरा विरोध किया था। और साथ में कैथल बैगिंग टीवी के माध्यम से भी आप सभी जनता वालों तक ये संदेश पहुँचाया था कि ये जो गलत हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है लगातार, तो उसके कारण जो उसकी कैथल बैगिंग टीवी खबर का असर है वो ऐसा हुआ कि अब उस व्यक्ति ने जिसने ये जो तस्वीरें हिंदू देवी देवताओं की, सब लगभग सभी प्रकार के देवी देवताओं की तस्वीरें थी, आप देख पा रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, अब वो खुद संज्ञान लेकर उसने वो हटा ली हैं वो तस्वीरें। यानी कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू देवी देवताओं की प्रतिष्ठा, जो आन बान शान पर जो धब्बा ना लगे, इसलिए उसने हटा ली हैं। हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं इस समय श्री अभिषेक गोयल जी, जो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने विरोध किया था कि क्यों इस व्यक्ति ने इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले चित्र जो हैं वो नाली के सारे लगाए थे। नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार जी, क्या कहना है सर, क्या मैटर है यार? जैसा कि सभी को ज्ञात है, भाई एक प्लाट था खाली बाजार में, उस व्यक्ति ने वहाँ पर देवी देवताओं का अपमान था, जो बिल्कुल नाली के सहारे उसने इतने चित्र लगाए थे। तो मैं कैथल ब्रेकिंग टीवी की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस खबर को प्रमुखता से उठाया, और जितने भी लोग हम विरोध करने गए थे वहाँ उनसे बातचीत हुई, एक अल्टीमेटम लोगों द्वारा दिया गया था कि आप इसको, रविवार तक का समय दिया गया था कि इसको अगर आप हटा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें कार्रवाई की तैयारी थी कि आज FIR करवाई जाती और कानूनी कार्रवाई के रूप से उसको हटाया जाता। लेकिन उन्होंने सबकी बात को माना और अपनी गलती को मानते हुए आज हमने देखा तो रात को उन्होंने सारी की सारी वो टाइलें हटा ली हैं, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन एक उन्होंने कहीं ना कहीं गलती की, और हम आपके माध्यम से संदेश भी देते हैं कि शहर में और कई जगह भी ये भी लगी हुई हैं, हम उन जगहों को चिन्हित करके उसको हटवाएंगे भी। और एक और बात कहना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी कृत्य कोई भी व्यक्ति ना करे, क्योंकि जो देवी देवता हैं वो पूजनीय हैं, उनको इस तरह कहीं पर नाली की जगह पर लगाना उनका अपमान है, और पूरे हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का अपमान है। अगर आपको कहीं लगता है, मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कोई इस तरह की मतलब हरकत करता है जिसमें लगता है कि कोई फ़ोटो लगा रहा है और वहाँ हटवानी है, तो निश्चित रूप से आप हमारा नंबर लिख सकते हैं, हम उसका विरोध करेंगे और उस पर जो भी कानूनी कार्रवाई के रास्ते से उसको हटाया जाएगा। और ये पहली बार हमने एक मौका था, हमने देखा, इसलिए उनसे अपील करके हटाया गया। लेकिन आइंदा अगर हमें कोई भी ऐसी हरकत करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और FIR करवा के उसको जेल में डाला जाएगा। मैं नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं, 7064-50-695, ये हमारा नंबर है। कभी भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति इस तरह की कोई हरकत करता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, उसका वीडियो भेजिए, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लीलू सैनी जी भी मौजूद हैं, जो उस दिन रोष प्रदर्शन भी हिस्सा लिया था कि ये मूर्तियां जो भगवान की तस्वीरें हैं टाइलों के तौर पर दीवार पर लगाई गई थी, इस समय लीलू सैनी जी मौजूद हैं। जी लीलू जी, क्या कहना चाहेंगे? दो तीन दिन पहले एक मामला आया था तलाई बाजार रेलवे गेट के नज़दीक कि एक व्यक्ति ने अपनी निजी संपत्ति पर, राहगीर जो लोग चलते फिरते हैं भाई यहाँ पेशाब ना करे, उनको रोकने के लिए हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं की लगभग 250 और 300 के बीच मूर्ति दीवार पे उसने लगाई थी अपनी निजी संपत्ति पे, हमें कहीं से पता चला था, तो फिर हमने वहाँ पर मौका देखा जाके, तो बिल्कुल गलत था। और मैं कैथल की जिम्मेवारी लेता हूँ कि कहीं भी अगर मुझे इस बारे में पता चलेगा तो मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है 9956-0384, और मैं फिर दोबारा कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से पूरे देशवासियों को और मेरे जिला कैथलवासियों को ऐसा करना चाहता हूँ कि आगे से ऐसी गलती ना करें कि राहगीर पेशाब को रोकने के लिए हम अपने धर्म के देवी देवताओं की फ़ोटो लाए, ये बड़े शर्म की बात है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, हर एक धर्म के देवी देवता या जो भी उनके पूजनीय जो चित्र हैं उनका हम सब सम्मान करना चाहिए, और कोई भी ऐसा कृत्य ना किया जाए कि भारत का संविधान, क्योंकि हर एक धर्म को यहाँ पर अपनी अपनी आज़ादी देता है। ये थी खास पेशकश डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल बैगिंग टीवी से, अपने सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ।